पदम रेखा बताने वाले पंडित को वरदान। हरिद्वार से 20वीं तीर्थ यात्रा करके पंडित दुर्गा प्रसाद ने जब गुरु अमरदास जी के पांव में पदम देखकर कहा कि आपके शीश पर जल्द ही छत्र झूलेगा, जब उसने यह सुना कि आप गुरु गद्दी पर आसीन हुए हैं, तो अपना मुंह मांगा वरदान लेने के लिए गुरु अमरदास जी के पास आए। उन्होंने गुरु जी को अपना वरदान पूरा करने की मांग की। गुरु जी ने कहा, हम अपना दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करेंगे, जो मांगना है मांग लीजिए। पंडित ने खुश होकर कहा, महाराज अगर मैं संसारी सुख मांगूंगा तो नरकों का भागी बनूंगा, और अगर परलोक का सुख मांग लूंगा तो यहाँ संसार में गरीबी के दिन काट कर दुखी रहूंगा। इसलिए आप मुझे दोनों लोकों के सुख का वरदान दीजिए, आप तो समर्थ हैं। गुरु जी उसकी बुद्धिमता पर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर वचन दिया, अच्छा पंडित जी, आपको दोनों लोकों का सुख प्राप्त होगा। आप यहाँ भी सांसारिक सुख भोगोगे और परलोक में भी बैकुंठ धाम में निवास करोगे। इस प्रकार लोक परलोक के सुखों का वरदान लेकर पंडित खुशी खुशी गुरु जी की शलाघा गाते हुए घर को चल दिया।